Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss about the animal cell and the plant cell. Now in this video we are going to differentiate between animal cell and the plant cell. What is the main differences between the animal cell and the plant cell? Which type of organelles are present in the animal cell and which type of organelles are absent in the plant cell? So here we are going to start. One column is animal cell and other column is plant cell. So animal cell do not contain plastids. Plant cell, almost all plants cells contain the plastids such as chloroplast, chromoplast and leucoplast. Animal cell mein plastid nahi hote jabki plant cell mein plastid hote hain aur wahan par bhi teen kism ke plastid hote hain, chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast aapko pata hai ki green color ka hota hai aur ye chlorophyll green color ka hota hai aur jo इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसेंथेसिस, क्योंकि ट्रिप करता है सनलाइट और उससे एनर्जी बनाता है अपनी. और क्रोमोप्लास्ट इज़ अ कलर, जो भी कलरिंग पार्ट आप देखते हैं एक्सेप्ट द ग्रीन वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. एंड लीकोप्लास्ट आर द वाइट कलर, दे आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. नाउ सेकेंड इज एनिमल सेल में आपको मैंने जब वेन वी आर डिस्कस जब कर रहे थे हम टू किंगडम क्लासीफिकेशन, तो मैंने आपको बताया था कि जब वो टू किंगडम क्लासीफिकेशन थी वो सेल वॉल पर बेस पे थी. किस पे बेस पे थी? सेल वॉल. मतलब जिसके सेल में सेल वॉल नहीं था एनिमल सेल था, और जिसके सेल में सेल वॉल था उसको हम प्लांटी किंगडम में रखे थे. तो सेल वॉल यकीनन एनिमल सेल में नहीं होता, नो सेल वॉल, बट प्लांट सेल में रिजिड सेलुलर सेल वॉल इज एडिशनल टू द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन के बाद जो आउटर मेम्ब्रेन आती है वो एडिशनल जो मेम्ब्रेन आती है आउटर मेम्ब्रेन उसको हम सेल वॉल बोलते हैं. रिजिड ठोस होती है और सेलुलर से बनी होती है. एनिमल्स डू नॉट कंटेन प्लास्मोडेमाटा और पिट्स. एनिमल सेल में पिट्स एंड प्लाज्मोसाइट्स नहीं प्लाज्मोडेमाटा नहीं होते, जबकि कंटेन द जबकि प्लांट सेल में प्लाज्मोसाइट्स होते हैं और पिट्स भी होते हैं. फ्यू व्हीकल्स इफ एनी, मतलब कुछ होंगे अगर हैं तो. जबकि प्लांट में लार्ज सेंट्रल व्हीकल्स विद द बड़े बड़े व्हीकल्स होंगे और उनमें सेल सैप होगा, मेच्योर जो सेल होगा उसमें सेल सैप भी होता था. खाली व्हीकल नहीं होते, भरे होंगे सेल सैप से. न्यूक्लियस इज अ जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म. बेसिकली एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, सेल के बीच में होता है, सेंटर में होता है. जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज फाउंड नियर द एजेस ऑफ द, मतलब सेल में प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में नहीं पाया जाता, वो साइड साइड में होता है. सेल मेम्ब्रेन के करीब पाया जाएगा, बीच में एग्जैक्ट नहीं पाया जाएगा. जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो बीच में सेंटर में मिलेगा. सेकंड लास्ट पॉइंट है एनिमल सेल्स पजेस लाइसोसोम व्हिच कंटेन द एंजाइम दैट डाइजेस्ट द सेलुलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स. एनिमल सेल में एक लाइसोसोम्स होता है जो एंजाइम अपने पास डाइजेस्ट करता है, जो आपको तो पता होगा लाइसोसोम्स को हम सुसाइड सेल बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद एंजाइम वो तो इंग्लफ करता है, फेगोसाइड करता है अगेंस्ट द अगेंस्ट द हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनके अगेंस्ट करता है, फीड करता है. जबकि प्लांट सेल है रेयरली कंटेन द लाइसोसोम, यानी प्लांट वैक्यूल्स हैंडल द मॉलिक्यूल डिग्रेशन. जबकि प्लांट सेल के पास रेयरली होते हैं लाइसोसोम्स, बल्कि उनका जो काम होता है वैक्यूल हैंडल कर लेते हैं ये डिग्रेशन वाला काम. उसके बाद लास्ट पॉइंट है एनिमल सेल कंटेन दी सिलेंडर स्ट्रक्चर दैट ऑर्गनाइज द असेंबलिंग ऑफ माइक्रोट्यूबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. इनके पास एनिमल सेल के पास माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन में जो है ना वो मदद करते हैं. जबकि प्लांट सेल डू नॉट टिपिकली कंटेन द सेंट्रोस, जबकि प्लांट सेल के पास किसी किस्म के सेंट्रोस नहीं होते. और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम कि ये हमारा एनिमल सेल है. और यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है कि जो एनिमल सेल होती है वो एनिमल सेल जो है उनका जो स्ट्रक्चर है ओविल शेप है, स्फीयर बोलेंगे, ओविल शेप बोलेंगे, एंड जो है ना बिल्कुल गोल भी नहीं है पर गोल जैसा. जबकि प्लांट का जो सेल है वो स्क्वायर शेप में है. और ये ड्यू टू द सेल वॉल ये बाहर से ठोस होता है, रिजिड होता है, जबकि एनिमल सेल इतना ठोस और रिजिड नहीं होता. तो आप ये देख सकते हैं सर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल एंड हियर इज द प्लांट सेल. ओके, होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी एनिमल्स और प्लांट सेल में जो बेसिक डिफरेंसेस होता है हमने डिस्कस किया इन दिस वीडियो. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेलुलर ऑर्गनेल्स वन बाय वन. सो सी यू इन अदर वीडियो विद अदर टॉपिक. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.